हम आ चुके हैं प्रयागराज संगम। इस समय यहाँ पर माघ का मेला लगा हुआ जो हर साल प्रयागराज संगम में लगता है और 12 साल पर महाकुंभ का मेला लगता है। तो गाइस ये कुंभ क्यों लगता है, इसके पीछे बहुत ही पुरानी और पौराणिक कथा है। जब समुद्र मंथन हो रहा होता है तब समुद्र के अंदर से एक अमृत का घड़ा निकलता है जिसको पाने के लिए राक्षसों और देवताओं के बीच में युद्ध होता है। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं कुछ जगहों पर, जैसे प्रयागराज संगम, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। यहाँ के नदियों का पानी अमृत के समान हो जाता है अमृत के कारण, इसीलिए यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। गाइस चलिए फिर आप सबको हम दिखाते हैं वो दृश्य जिसको देखने के लिए आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। चलते हैं फिर आप सबको संगम का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, चारों तरफ स्नान करने के लिए श्रद्धालु आए हुए हैं। तो गाइस आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप लोग प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो आपको करीब 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कोई भी गाड़ी जाने की इजाज़त नहीं है, आपको हर जगह बैरियर लगा दिख जाएगा। आज है मौनी अमावस्या, इस दिन अगर आप गंगा में स्नान करते हैं आपको अमृत के समान पुण्य मिलेंगे और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो गाइस हम भी चलते हैं, अपना थोड़ा सा पाप धुलते हैं और आपको संगम का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस मौनी अमावस्या स्नानों में सबसे पवित्र स्नान होता है, ऐसा माना जाता है। इस दिन गंगा नदी में देवताओं का वास होता है। गंगा नदी का पानी अमृत के समान होता है, अगर आप स्नान करते हैं और गरीबों को में दान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलते हैं और आपके सारे पाप धुल जाते हैं। गाइस ये देख सकते हैं बहुत से लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या माघ महीने के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस बार मौनी अमावस्या 21 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में है। इस पवित्र बेला में आप स्नान करके अपने सारे पाप धुल सकते हैं। तो गाइस जब आपको हम उस पावन धारा में ले चलते हैं जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों आपस में मिलती हैं, उस स्थान को संगम कहते हैं। आइए फिर आपको ले चलते हैं ये। तो गाइस बीचों बीच संगम तक जाने के लिए नाव से जाना पड़ेगा जो आपको करीब 200 रुपये बोलेंगे, लेकिन 100 रुपये देंगे तो आपको ले जाएगा। तो गाइस फिर चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए जहाँ पर गंगा यमुना जी आपस में मिल रही हैं, एक तरफ पानी हरा है दूसरी तरफ पानी मटमैला है। बनाया गया था घाट, गंगा जी का धारा बदल गया है, इधर से हो गया, यहाँ नहाते थे लोग। तो गाइज हम आ चुके हैं उस मध्यधार में जहाँ पर तीनों नदियाँ आपस में मिलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर नहाने के लिए बहुत से श्रद्धालु आए हैं। जब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, तो गाइस आप ये देख सकते हैं अकबर द्वारा बनवाया गया प्राचीन किला, ये नदी के मुहाने पर बनाया गया जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक किला है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं।
गाइज आपको पीपे का फूल सिर्फ प्रयागराज में देखने के लिए मिलेगा, आप ये देख सकते हैं। तो गाइज आपकी नज़र जिधर भी जाएगी चारों तरफ आपको टेंट ही टेंट देखने के लिए मिलेंगे। इस टेंट में क्लबवासी लोग रहते हैं जो क्लबवास करने के लिए गंगा के मुहाने पर एक महीने के लिए आते हैं। गाइज यह दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। गाइज अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।